दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आपका मेजर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप तक? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, आपका मेजर पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ज्यादा से शेयर करना मेरी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है? तो दोस्तों, मैं गूंद रही हूँ आटा पराठों के लिए। थोड़ा सॉफ्ट ही गूंदना है, मतलब कि टाइट नहीं गूंदना, नरम गूंदना, ताकि पराठे फटे नहीं, ठीक है ना। बहुत से क्या करते हैं कि टाइट गूंद देते हैं तो उससे फिर क्या पराठे फट जाते हैं। तो उसके लिए पराठे हो या कचौरी हो, उसके लिए आटा सॉफ्ट गूंदा जाता है, मतलब नरम गूंदा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने उबाल लिया है बथुआ, उसे निचोड़ लेती हूँ। टाइट सा निचोड़ना है, जो भी इसका पानी है अच्छे ढंग से निकालना है, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल फिर नहीं, जब पराठे में भरेंगे ना पिट्ठी तो फिर फट जाएंगे अगर इसका पानी अच्छी ढंग से ना निकाला। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दोस्तों, इतनी जल्दी आराम से नहीं निकलेगा। कोई नहीं दोस्तों, का स्वाद से चीज़ खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो ये चीज़ तो है भाई। तो ढंग से मैंने निचोड़ लिए हैं, और भाई जो और आप लोग और ढंग से और भी निचोड़ना चाहे तो निचोड़ सकते हैं, पर मैंने अपने तरह से निचोड़ लिए। नमक मैंने डाल दिया, आप लोग स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो, जितना भी खाते हो, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी। दो मैंने इसमें हरी मिर्च काट कर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया है ये भी डाल रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि ये तो बथुआ का है, स्वाद तो अलग ही होता है ना दोस्तों। ये थोड़ा कि वो ग्रीन ग्रीन है तो मतलब कि धनिया मत डालो, धनिया का स्वाद अपनी जगह है और बथुए का अलग है। तो मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली है, और गरम मसाला नहीं डाला, और मिर्च डाल दी है, और गार्लिक और उसका अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और क्या है धनिया पाउडर डाल दिया है, और अमचूर पाउडर भी डाल दिया थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा एक चम्मच डाली है, और ये आधा चम्मच डाला अमचूर पाउडर। और दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा सा वो भी डाला है काला नमक, ठीक है, स्वाद के लिए कमी डालना, क्योंकि मैंने वो भी डाल लिया था इसमें नमक जो नॉर्मल होता है, ये सिर्फ स्वाद के लिए डाला। और मैंने इसमें जीरा भी डाला थोड़ा सा, अगर आपके पास वो हो ना सौंफ तो सौंफ भी डाल लेना स्वाद की, यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाला नहीं है। इधर मैं जो भी मसाला आप ऐड करोगे आपकी मर्जी दोस्तों, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, हम लोग कम खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाले। आप इसमें गर्म मसाला भी डाल सकते हो, मैंने गर्म मसाला नहीं डाला। वो ये मैं कह रही हूँ दोस्तों कि अब घर के पराठे तो थोड़ा घर के जैसे होने चाहिए ना, मसाला वगैरह आप लोग अपना कम बढ़ती कर सकते हो। और दोस्तों देखो, मैंने कितने अच्छे ढंग से पिट्टी भर के इसमें कर दिए, बिल्कुल फटे नहीं है। इस तरीके से बनाओगे ना तो बिल्कुल नहीं फटेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जो हम बथुआ होता है ना, ढंग से उसका पानी निकालना होता है तब ढंग से होता है। हाँ दोस्तों, साथ साथ ही कर लेना, क्योंकि नमक वगैरह डाल देते हैं ना तो फिर वो पानी छोड़ता है। तो कभी आप लोग पहले से डाल के रख दो और फिर बनाओ तो फिर वो पानी छोड़ देता है। तो साथ साथ ही अगर और कुछ चाहिए तो फिर नमक बाद में डालना, अगर आपको लेट बनाने हैं तो नमक उसी टाइम में डालना जिस टाइम को बनाने, ठीक है। आप इसमें मतलब कि घी वगैरह जो भी खाते हो आप लोग, घी या रिफाइंड उस वो यूज कर सकते हो, मैंने घी के बनाए। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा पराठा बनाए, बिल्कुल सर्दी में तो दोस्तों खाने का मजा अलग ही है बथुआ का पराठे। क्योंकि इस टाइम में सर्दी है, सर्दी में तो बथुआ आ रखा है, गर्मियों में तो आता नहीं है। तो जब तक है खाओ, इंजॉय करो। और दोस्तों ये मैंने चाय भी रख दिया, घर का ही चाय, लेकिन डिब्बा अलग है, इसमें डाल देती हूँ बना बना के थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, इतना हम खाते नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों दाल बनाई थी मैंने, दाल भी रख दी है, तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। बाय बाय। मेरी छोटी की बड़ी